कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 21 तारीख है और आप लोग कहेंगे 21 तारीख कुछ खास है? जो नहीं जानते होंगे, जो जानते होंगे तो उन्हें पता ही होगा कि आज खास क्या डे क्या है। आज योगा दिवस है तो इसलिए ये खास दिन है। और बहुत सारे लोग इस योगा दिवस को मतलब योगा करते हैं, ये नहीं है कि आज के दिन करते योगा करके वो फिट हैं, इसलिए योगा दिवस मनाया जाता है और सबको जागरूक किया जाता है कि आप लोग भी योगा करो और फिट हो रहो। तो मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ, अपनी जर्नी मतलब कि मैं योगा कब से स्टार्ट करी। और मैं पहले बहुत दवा खाती थी, डॉक्टर के पास जाती थी, अपनी प्रॉब्लम बताती थी, डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम सुनते थे और उसके बाद ढेर सारी दवा लिख देते थे। मैं दवा लेके आती थी, ये उम्मीद रहती थी डॉक्टर साहब के पास जाके आने के बाद कि आज मैं ये दवा लेके आई हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन नहीं होता था, मैं ठीक नहीं होती थी। मैं दवा खाती थी, रोज़ मेरा आदत बन गया था, मतलब कि दवा खाना खाओ और फिर से ढेर सारी दवा लेके बैठो, इतनी ये दवा मुझे अब खानी है, ये दवा ये इतना खाना है, मतलब इतना सुबह में खाना है, इतना शाम में खाना है, इतना दोपहर में खाना है। तो मेरा यही चल रहा था। मैं सोची कि यार अभी तो मैं मतलब मेरे तब बच्चे छोटे से थे और मुझे लगे कि मेरा यही चलेगा, मतलब तो अभी तो मैं जैसा कि मतलब बुज़ुर्गों में नहीं आई हूँ, फिर भी मैं दवा खा रही हूँ तो मैं जब बुज़ुर्ग हो जाऊँगी तब मैं कैसे करूँगी, ये सब सोचती थी मन में। और दिमाग ख़राब हो गया था दवा खा के। और जब ठंडी में उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट हमको नहीं होता था, जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती थी वैसे वैसे इफ़ेक्ट होता है, अभी भी होता है। अभी भले ही हम दवा बहुत बहुत कम कर दिए हैं और अभी भी होता है, क्योंकि बोलने बहुत सारी अंग्रेजी दवाई खाई है, एलोपैथिक। तब सोचती थी कि होम्योपैथिक में कोई कुछ नहीं रखा है यार, अंग्रेजी दवा खाओ, मतलब एलोपैथिक दवा खाओ, जल्दी से छुट्टियों में ठीक हो जाओ, ये दिमाग में था। फिर लगा कि नहीं, ना ही मुझे होम्योपैथिक खाना है ना ही मुझे एलोपैथिक खाना। तो फिर मुझे कोई सिखाया नहीं कि क्या योगा में क्या करना चाहिए। मैं बहुत निपुण नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं करती हूँ, लेकिन योगा से मुझे क्या मिला वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको योगा सिखा नहीं रही हूँ, मैं योगा जो करती हूँ पूरा नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि पूरा मैं आपके साथ दिखाऊंगी। जब मैं थोड़ा सा योगा करना शुरू करी तो थोड़ा सा खराब लगा, टाइम देना पड़ा, फिर उसके बाद टाइम के साथ साथ हमें कुछ तकलीफें भी हुई। एक जैसे कि अगर आप एक दिन योगा करते हो उसके बाद शरीर का जो तनावपूर्ण होता है, जो कसता है, जो मतलब, तो वो भी दूसरे दिन मतलब वो दर्द के रूप में उभर कर आता है। और अगर आप उसको फिर कंटिन्यू करते जाते हो तो फिर धीरे धीरे वो दर्द ख़त्म हो जाता है, फिर एक रूटीन में शामिल हो जाता है कि एक मतलब ये लगता है कि हाँ यार ये अब मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, अब इसलिए दर्द को ख़त्म कर दो और इसको करने दो, तो ये चीज़ हो जाता है। फिर मैं जब योगा करना स्टार्ट करी तो धीरे धीरे करके मेरी सारी दवाएँ बंद हो गई, जैसे कमर दर्द और हाथ पैर का दर्द, दिमाग का दर्द, जो दिमाग में मतलब टेंशन बनी थी वो सारी चीज़ें। मैंने कम से कम 5 से 6 साल की मतलब टोटली दवा बंद कर दी, जो दोनों समय मैं दवा खाती थी वो मैंने बंद कर दिया और उसके बाद मैं योगा करने लगी। मुझे बहुत राहत भी था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे YouTube से जुड़ने के बाद मेरा योगा नहीं होता था, इस तरह से डिले होता जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं मिलता था।
और 2-2.5 साल से मैं अभी फिर से दवा खा रही हूँ। दवा इसलिए खा रही हूँ कि मैं जब यूट्यूब से जुड़ी और अपने दिनचर्या को एकदम चेंज कर दी, जैसे लाइफ स्टाइल हमारा चेंज हो गया, तो मैं अपने आप पर ध्यान न दे के चैनल पे ध्यान देती हूँ, अभी भी देती हूँ। और इसलिए कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर मैनेज कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर मैनेज हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, दोनों है। तो बस यही है, और मैं ये चीज़ फिर से करूँगी। और थोड़ी सी एलर्जी से परेशान हूँ, एलर्जी जैसे ही ठीक हो जाती है, और मैं अब हार गई हूँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे जैसे मैं हार के योगा अपनाई थी वैसे मैं योगा करूँगी तो फिर मेरी एलर्जी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो आप सभी को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, योगा दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे यूट्यूब फैमिली को, और हमारे जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे उनको भी ढेर सारी योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 तारीख को ही नहीं करना है योगा, हमें 365 दिन हमेशा कंटिन्यू करना है। तो चलिए मैं करती हूँ योगा। अपने पैर को दूसरे पैर पर टिकाई और हाथ को ऊपर ली और कुछ देर इसी आसन में करती हूँ, फिर मैं दूसरे पैर को दूसरे पैर पर टिका देती हूँ। इसी तरह से करके मैं, आप 2-3 बार कर सकते हो। मैंने फिर से अपने हाथ को फैलाया, फिर ऊपर ले गई, फिर नीचे ले आई, इस रेशियो में, इस तरह से भी मैं योगा करती हूँ। और इससे भी मुझे कई फ़ायदे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया था। उसके बाद मैं यहाँ हाथों को जूट करती हूँ, फिर पीछे की तरफ अपने हाथों को ले जाती हूँ, और इसके बाद मैं एक हाथ को इस तरह से कंधे पर रखती हूँ और ये इस तरह से करती हूँ, और दोनों हाथ से भी कर सकते हो आप, और अगर नहीं कर सकते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने पैर को मोड़ती हूँ, एक पैर को पीछे की तरफ फैला देती हूँ, और इसी तरह से मैं दूसरे भी पैर को करती हूँ। ये पैर के मसल्स जो है वो कम होते हैं, और फिर उसके बाद आगे की तरफ पैर करके पीछे को फैला देना, मतलब सूर्य आसन की तरह करते हैं इसको। तो इस तरह से भी मैं योगा करती हूँ, और आप 2-3 बार जितनी आपकी क्षमता हो उस तरह से कर सकते हो। फिर इस तरह से भी आप योगा कर सकते हो। इस तरह के योगा से बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा। हमारे गर्दन जो दर्द होते हैं, अगर हम इसे 2-3 बार करते हैं तो धीरे धीरे करके गर्दन का जो पेन बराबर होता है वो कम होता है। तो मैं राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करती हूँ। उसके बाद आती है, अपने पैरों को चेंज कर सकते हो आप, और दोनों पैर चेंज करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर दोनों हाथ को मैं पीछे ले जाती हूँ, और उसके बाद जितना झुक पाती हूँ उतना मैं झुकती हूँ। इससे तो एक हमारा पेट कम होता है, दूसरा हमारा रीढ़ की हड्डी जो है उस पर तनाव पड़ता है, मतलब वो स्ट्रेट होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। ये योगा भी बहुत काम का ही है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे तरीके हैं, और जो आपको फ़ायदा करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस योगा को करो, जो आपको सूट करे। अपना थोड़ा सा योगा आपके साथ शेयर करती हूँ, हो सकता है आपको पसंद ना आए, या हो सकता है आपको पसंद आए, लेकिन मुझे ने मेरी दवाएं छूट गई, ये समझ लीजिए मेरी दवाएं जो है योगा से छूट गई। और जैसे कि मैंने एलर्जी वाले जिक्र आपसे किया, तो एलर्जी वाले जिक्र भी मैं योगा से ही हटाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम सोच लेते हैं तो हम कर गुजरते हैं। तो बस आप सबका ऐसे ही सपोर्ट रहेगा, ऐसा ही प्यार रहेगा, तो वो भी दिन जल्दी से आएगा और हम एकदम हैप्पी फील करें। समाप्त करने का इजाज़त आप सबसे, और इसी के साथ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलेंगे। बाय।